रेन एंड द अर्थ। ओपन कर लें अपनी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस फॉर ग्रेड 5। ओपन पेज नंबर 2। हम शुरू करेंगे चैप्टर की रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 2। सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रेन क्या है और किस तरह से ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन बॉडी का ऐसा पार्ट है, ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और ब्रेन हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स और सिस्टम्स और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तमाम एक्टिविटीज ब्रेन के अंडर कंट्रोल होती है। लाइक अगर हम कुछ सोच रहे हैं, खा रहे हैं, अगर वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, या फिर हम कोई कुछ थिंक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। तो रीडिंग इसे स्टार्ट करते हैं। यू ओपन अ बुक एंड बिगिन टू रीड। आप एक किताब खोलते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। यू सी अ बस कमिंग योर वे एंड यू नो यू मस्ट स्टॉप। आप अपनी तरफ आती हुई एक बस को देखते हैं और आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पर रुकना है। यू हेयर सम म्यूजिक एंड रिकॉग्नाइज द सॉन्ग। आप कोई म्यूजिक सुनते हैं और आप उसको पहचानते हैं। यू कैन सी थिंग्स, हियर डिफरेंट साउंड्स, टेस्ट फूड एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं और चीज़ों को टेस्ट करते हैं, म्यूजिक की आवाज़ सुन सकते हैं या कुछ नई चीज डिस्कवर कर सकते हैं। अब ये सब आप कैसे करते हैं? ऑल दिस एंड मोर इज पॉसिबल बिकॉज वी हैव सेंस ऑर्गन्स। अब हमारे पास सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं, वो ऑर्गन्स जो इन्वायरमेंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के नतीजे में कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं। वो रिस्पॉन्स मूवमेंट के जरिए भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्स किसी भी तरीके से आपकी बॉडी दे सकती है। बट हाउ डू द आई नो व्हाट दे आर सी। आंखों को कैसे पता चलता है कि वो क्या देख रही है, यानी कि आपको कैसे पता चलता है कि आप चीज देख रहे हैं वो किस तरह की है, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है। हाउ कैन द ईयर्स टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस एंड दैट ऑफ अ कार। अब हमारे कान हमें ये किस तरह से बताते हैं कि हम अगर कोई आवाज सुन रहे हैं तो क्या वो किसी गाड़ी की आवाज है या वो किसी इंसान की बोलने की आवाज है। तो ये जो डिफरेंस है ये सब हमें कौन बता रहा है? द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब है हमारा असाबी निज़ाम, यानी दिमाग का जो निज़ाम है उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब है असाबी निज़ाम, वो निज़ाम जो बॉडी में होने वाली तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। इंफॉर्मेशन रिसीव होते हैं सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी हैं? हमारी आईज हैं, नोज है, टंग है, ईयर्स हैं और स्किन है। अब ये अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जैसे कि आंखें हमारी लाइट को रिसीव करती हैं, ईयर्स हमारे कान आवाज़ को रिसीव करते हैं, टंग कुछ ना कुछ टेस्ट करती है, इसी तरह स्किन हम कुछ टच करते हैं तो हमें उसकी फीलिंग में हमें फील होता है कि हम क्या टच कर रहे हैं। तो वो फीलिंग या वो हियरिंग या टच या स्मेल या विजन, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये वो है जो सेंस ऑर्गन्स अपने इर्द गिर्द से रिसीव कर रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक। अब ब्रेन आगे से बताता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है और उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। तो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं, यानी कि उसका जवाब देते हैं। उस रिस्पॉन्स उसको प्रोसेसिंग के बाद वो रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं और कुछ ना कुछ एक्शन शो करते हैं जो कि उसके रिस्पॉन्स में होता है। व्हाट डज इट लुक लाइक। अब आपका जो ब्रेन है वो कैसा नजर आता है देखने में? यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है।
तो ये आपके ब्रेन की डायग्राम है। ब्रेन क्या है? इट लुक्स लाइक अ लार्ज, एक बहुत बड़ा पिंकिश ग्रे वॉलनट, बिल्कुल एक अखरोट की तरह अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा है। और ये कलर कैसा है इसका? पिंकिश ग्रे कलर है, बट इट इज मच बिगर देन अ वॉलनट। लेकिन ये एक अखरोट से बहुत बड़ा नजर आता है, इसका साइज बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है। व्हाट डज इट फील लाइक? कैसा महसूस होता है? इट फील्स सॉफ्ट एंड स्क्विशी एंड हैज मेनी फोल्ड्स एंड क्रीसेस। अब जो ब्रेन है हमारा, इसमें बहुत से उभार भी मौजूद हैं। कुछ क्रीसेस हैं, यानी कि कुछ डिप्रेशन हैं जो कि अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, और कुछ उभार हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। तो ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है। अब देखते हैं ब्रेन, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। कंट्रोल सेंटर किसको कहते हैं? जो पूरी बॉडी के काम कंट्रोल कर रहा है, बॉडी की एक्टिविटी को देख रहा है, हर ऑर्गन हर सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज। इट इज लोकेटेड इनसाइड द हेड। क्योंकि लोकेशन इसकी क्या है? ब्रेन कहाँ पे लोकेट करता है? हेड के अंदर, एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेडुला से आगे एक्सटेंड हुई हुई है, इसके टॉप में मौजूद है। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। अब ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है? कौन सी ऐसी हड्डी है हमारी बॉडी की जो हमारे ब्रेन को महफूज करती है, यानी कि ब्रेन उसके अंदर प्रोटेक्ट हुआ है? वो क्या है? स्कल। स्कल का मतलब है खोपड़ी। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है? वो खुलिए हैं जो हमारी बॉडी को बना रहे हैं। इसी तरह ब्रेन को बनाने वाले जो सेल्स हैं वो भी ट्रिलियंस में है, यानी कि उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, उनका नंबर बहुत ज्यादा है, और वो सेल्स मिलकर ब्रेन को यानी कि नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ब्रेन को बनाने वाले जो सेल्स हैं या नर्वस सिस्टम जिन सेल्स से मिलकर बना हुआ है, उन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स, यानी कि उस भी खुलिए। इस तरह हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, हर एक ऑर्गन सेल से मिलकर बना हुआ है, स्किन सेल से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह ब्रेन जो है एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा एक ऑर्गन है, तो इसको बनाने वाले जो सेल्स हैं वो क्या है? न्यूरॉन्स। अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन, यानी कि 100 बिलियन के करीब नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स मिलकर एक दिमाग के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि हमारा जो ब्रेन है ये इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें 100 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ऑल द नर्व सेल्स आर लिंक्ड टुगेदर टू कंट्रोल ऑल ऑफ द एक्टिव बॉडी एक्टिविटीज। अब ये सारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो हैं ये आपस में लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, और इनकी कनेक्शन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, ये एक के पास इंफॉर्मेशन आती है तो वो आगे पास ऑन करता है। इस तरह बिलियंस में जो न्यूरॉन्स हैं उन तक की इंफॉर्मेशन पास होती है और वो उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद उस सिग्नल को आगे किसी ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं, फिर वो ऑर्गन अपना रिस्पॉन्स शो करता है, या तो मूवमेंट के जरिए या फिर कोई केमिकल रिलीज करता है। द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ब्रेन को अपना काम करने के लिए मुसलसल क्या चाहिए? ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। अब अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकेगा। इट ऑल्सो रिक्वायर्स फूड एंड इनफ स्लीप टू फंक्शन प्रॉपरली। अब जो हम फूड लेते हैं उसमें ग्लूकोज मौजूद है, तो ब्रेन को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। ब्रेन के सेल्स ग्लूकोज को लेकर अपना काम कंप्लीट करते हैं। अब उसकी एब्सेंस अगर होगी या ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी तो नर्व सेल्स काम नहीं कर सकते। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन, दिमाग के कितने हिस्से हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। इंसानी दिमाग को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले है, सबसे बड़ा जो पार्ट है वो क्या है? सेरेब्रम। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये जो पोर्शन है ये सबसे बड़ा पोर्शन है आपके ब्रेन का। इस पोर्शन को हम कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम के बाद जो सेकंड जो पार्ट है वो है
डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब. अब दिमाग का हर हिस्सा अपना अलग अलग काम कर रहा है, हर एक का अपना फंक्शन है, बॉडी की किसी ना किसी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है. द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज डिवाइडेड वर्टिकली इंटू टू हाफ. अब इसको अगर हम देखें सेरेब्रम को, तो ये इस तरह से टू हाफ में डिवाइड है. अगर इसको फ्रंट से देखें तो ये एक हाफ ये है, एक हाफ इसका ये है. तो ये सेरेब्रम आपको टू पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा. द राइट हाफ ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. अब जो सेरेब्रम का राइट हाफ है वो बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो इसका लेफ्ट हाफ है वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है. एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी. साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड दिस व्हेन दे फाउंड दैट पीपल हु हैड इंजर्ड वन साइड ऑफ द ब्रेन लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द पार्ट ऑन द अपोजिट साइड. अभी साइंटिस्ट को कैसे पता चला, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की डिस्कवर किया कि अगर एक लेफ्ट साइड वाला पोर्शन डैमेज होता है, अगर सेरेब्रम का लेफ्ट पोर्शन डैमेज होता है या इंजर्ड हो जाता है, तो वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, राइट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है. तो इस वजह से क्या होता है कि सेरेब्रम का राइट और बॉडी का लेफ्ट पार्ट जो है वो एक आपस में क्या बनाते हैं, क्रैश, उसको कंट्रोल कर. अब सेरेब्रम क्या क्या काम करता है, ये किस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है. सेरेब्रम कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन, ये वो काम कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं. वॉलेंट्री का मतलब क्या है, सेरेब्रम दिमाग का बड़ा हिस्सा, मेडुला को हम कहते हैं हराम बस. ये जो मेडुला मैंने आपको दिखाया है, इसका मतलब क्या है, हराम बस. वॉलेंट्री एक्शन का मतलब है इरादी काम, वो काम जो हमारे अंडर कंट्रोल है, इसको हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं. और सेरेब्रम क्या है, दिमाग का पिछला हिस्सा, दिमाग का ये वाला, ये पिछला हिस्सा है दिमाग का, इसको हम कहते हैं सेरेब्रम. ये क्या कंट्रोल करता है, लाइक थिंकिंग, फीलिंग्स, डिसीजन मेकिंग, यानी कि कोई फैसला करने की सलाहियत आपके कहां से आती है, वो सेरेब्रम कंट्रोल करता है. रीडिंग, लिसनिंग, कुछ सुनना, सीइंग, कुछ देखना, एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल. आप टेस्ट यानी जायके में और स्मेल में आप जो फर्क बताते हैं वो किस तरह से बताते हैं, वो सेरेब्रम आपको बताता है कि इन दोनों में ये फर्क है. इट इनेबल्स यू टू टच एंड फील द टेक्सचर ऑफ द थिंग्स, इट आल्सो इनेबल्स यू टू रिमेंबर थिंग्स. अब ये जो हमारी जो एक है याद करने की जो सलाहियत है, वो कौन हमें बता रहा है, सेरेब्रम. वो कंट्रोल करने वाला ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम. तो ये सेरेब्रम ये सारे काम करता है. इसके बाद आता है सेरेब्लम, ये दिमाग का पिछला हिस्सा है. अब ये क्या करता है, सेरेब्रम इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम, क्योंकि ये सेरेब्रम के नीचे लोकेट कर रहा है, उसके नीचे मौजूद है, बिटवीन द सेरेब्रम एंड अबव द मेडुला, मेडुला से थोड़ा ऊपर है. इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स. इसका काम क्या है, इसे बैलेंस करना है, बॉडी को मतवाजन हालत में रखना है, और मसल्स की और जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है. इट हेल्प टू रन, वॉक, जंप. अब क्योंकि ये मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये तमाम एक्टिविटीज हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है, मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होंगी, जैसे कि जंप करना, वॉक करना, रन. तो इट हेल्प यू टू रन, वॉक, जंप एंड डू मेनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व. तो वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हमारे मसल्स और स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व है, उन सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम. थर्ड पार्ट है मेडुला और ब्रेन स्टेम, मेडुला जिसको हम हराम मग्स भी कहते हैं. ये क्या कंट्रोल करता है, ये हमारे इनवोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, वो एक्शंस जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, या जिनको परफॉर्म करने के लिए, जिनको काम करने के लिए हमारी यूनियन की या हमारी परमिशन की या इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती, वो हमारी हदायत के बगैर अपना काम ऑटोमेटिकली करते हैं और हमारा वेट नहीं करते, ठीक है. तो ये इनवोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल
डाइजेस्टिंग खराब का हजम होना एंड द बीटिंग ऑफ हार्ट मसल और दिल का धड़कना ये इनवॉलंटरी एक्शन है. व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप द मेडुला कीप्स वर्किंग. अब मेडुला तब भी काम कर रहा है जब आप सो जाते हैं या ब्रेन का बाकी हिस्सा अपना काम नहीं कर रहा या वो स्लीपिंग पोजिशन में है तो मेडुला उस वक्त भी काम कर रहा होता है क्योंकि आपकी मेमोरी को रिगेन करता है, मेमोरी को रिकवर कर रहा होता है. आपने सारे दिन की एक्टिविटीज में जो काम किए होते हैं रात के वक्त अगर आप सो जाते हैं तो ये उसको स्टोर कर रहा होता है मेमोरी को. अब उसके बाद है नर्व्स. नर्व्स क्या है? जिस तरह से आपके टेलीफोन की वायर्स होती हैं, टेलीफोन की तारे हैं, टेलीफोन की तारे सिग्नल को रिसीव कर रही हैं और उस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं, इसी तरह ब्रेन से मैसेज लेके जाती हैं नर्व्स. नर्व्स कहते हैं, नर्व का मतलब क्या है? नसें या रगे. अब ये बिल्कुल ऐसे टेलीफोन की वायर की तरह होती है. ये क्या करती है? ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये वहां से, और कुछ नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं और बॉडी तक फैली होती है बिल्कुल एक जाल की तरह. ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बाकी तमाम बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाती है. अब जैसे हमारी टांग है, ब्रेन का और लेग का जो कनेक्शन है, जो कोऑर्डिनेशन है उनकी आपस में, ये कौन करवाती है? ये नर्व्स करवाती है. ये नर्व्स आपके ब्रेन से निकलती है और बॉडी के तमाम पार्ट्स तक एक्सटेंड हो जाती है, वहां तक फैल जाती है. Nerves work like telephone wires. They link every part of the body to a central nervous system. The brain nerves are made up of nerve cells. Nerves किसकी बनी हुई है? Nerve cell का एक बंडल होता है. वो बंडल, उस बंडल के अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स हैं जो अरेंज हुए होते हैं लेंथवाइज और वो एक शीट बना देते हैं. उसके रैप, जिस तरह से हम कोई चीज रैप कर देते हैं इस तरह से उनकी रैपिंग हुई होती है. वो किसी ना किसी चीज के अराउंड लिपटी हुई होती है. तो हम कहते हैं कि जो नर्व्स, वो नर्व्स जो है वो कैसे बनती है? जब बहुत सारे नर्व सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक बंडल बना देते हैं, तो वो एक नर्व बन जाती है. एंड आर टू काइंड. अब नर्व दो किस्म की है, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स. सेंसरी नाम से पता चल रहा है, ये वो नर्व्स होंगी जो सेंस ऑर्गन से लेकर इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचाती है? ब्रेन तक. और मोटर नर्व ऐसी नर्व है जो ब्रेन से आगे किसी दूसरे ऑर्गन तक उसका मैसेज या उसका पैगाम लेकर जाती है, ब्रेन से किसी ऑर्गन तक. सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व क्या है? ये वो नर्व है जो दिमाग तक पैगाम लेकर जाने, दिमाग तक पैगाम लेकर जाने वाली नसें या रक्त. सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन. सेंस ऑर्गन से दिमाग तक मैसेज लेकर जाती है और द स्पाइनल कॉर्ड. दीज इन टर्न टेल द सेंस ऑर्गन व्हाट दे हैव हर्ड, सी, स्मेल, टेस्टेड और फेल्ट. अब ये सेंस ऑर्गन को बताती है कि क्या देखा है या क्या सुना है या क्या चीज स्मेल की है या क्या महसूस किया है. नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन. द नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती हैं तो वो बॉडी के अतराफ में फैल जाती हैं और बाकी सारे पार्ट्स का जो एक लिंक है, जो कनेक्शन है, वो किसके साथ बनाती है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ. द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का साधन किसके साथ है? ब्रेन. मोटर नर्व्स क्या करती हैं? मोटर नर्व्स है हरकत देने वाली रगें. मोटर नर्व्स ये कौन सी रगें हैं? हरकत देने वाली रगें. मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन को लेती हैं और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड से आगे मसल्स और ग्लैंड्स तक इंफॉर्मेशन को पास करवा देती है. दी सिग्नल्स मेक मसल्स मूव. अब इस इंफॉर्मेशन से क्या होता है, जब ये मैसेज मसल्स को मिलता है तो मसल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं.
और ये विद इन सेकेंड में विलयन ऑफ मौजूद है और नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पासन हो जाती है। दिस नेटवर्क इज नोन एज द नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल ऑल द एक्शंस एंड मूवमेंट्स। अब उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन। बाद में ऐसा होता है कि आपकी जो आईज है वो ब्लिंक करती है ऑटोमेटिकली, यानी कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। अब आईज की जो ब्लिंकिंग है, या हम अगर किसी गर्म चीज को टच करने लगते हैं तो हमारा हैंड वो बहुत पुल हो जाता है, हमारा हाथ बहुत पीछे की तरफ खींच जाता है। ये क्यों होता है? ये एक एक्शन के थ्रू होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि एक इमीडिएट, एक फौरी तौर पे और अचानक से होने वाला जो एक एक्शन है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कंट्रोल करते हैं, उस एक्शन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। व्हेन यू स्टॉप, व्हेन यू स्टेप ऑन अ पिन, आप किसी पिन के ऊपर पांव रख लें, योर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे, आपके पांव खुद बहुत पीछे की तरफ खींच जाते हैं। सच एक्शंस वेयर यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे एक्शंस जिन पे आपको सोचना नहीं पड़ता, उन एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और ये बहुत इमीडिएट होते हैं, फौरी तौर पे हो जाते हैं, पलक झपकते में ये कंप्लीट हो जाता है। The nerve ending in the sole of your foot feels the pain. The message reaches the spinal cord. It instructs the muscles of the foot through the motor nerves to move away. अब ये message receive करते हैं sensory neurons जो आपके foot की fingers में मौजूद हैं। वो message पहुंचाते हैं आपके spinal cord तक। Spinal cord से message जाता है motor neurons में। और motor neurons को message कहाँ लेके जाते हैं? Muscles तक। तो मसल तक का मैसेज आता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपकी आपका पांव जो है वो पीछे की तरफ आ जाता है। टू मूव अवे, ऑल दिस इज डन इन लेस देन अ सेकंड, तो ये इमीडिएट रिस्पांस शो करते हैं। अब उसके बाद आ जाए पेज नंबर 6 पे, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। अब क्योंकि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन का जो कनेक्शन है वो इन तमाम सेंस ऑर्गन के साथ, ठीक है? तो सेंस ऑर्गन में सबसे पहले कौन है? आई है। द आईज आर सेट इन सॉकेट्स। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एक बिल्कुल एक सॉकेट की शेप नजर आ रही है जिसके अंदर आपकी आईज मौजूद है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स इन द स्कल एंड आईलिड्स ऑफ स्किन। Eyelids आंखों को कवर करती है। The colored part of the eye is the iris। ये जो आपको colored part नजर आ रहा है, ये क्या है? Iris। यहाँ से light अंदर enter होती है और आपके lens पे पड़ती है। अब ये जो iris है, ये colored portion है। इन तक भी information receive, ये information को receive करते हैं और आगे pass on करते हैं। So the colored part of the eye is the iris। The pupil is a hole। ये जो आपको hole नजर आ रहा है, ये जो सुराख नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल, यानी कि आंख की पुतली। प्यूपिल किसको कहा जाता है? आंख की पुतली को। द प्यूपिल इज अ होल इन द सेंटर ऑफ द आयरिस व्हिच अलाउ लाइट टू एंटर द आई। अब ये वो जगह है जहां से लाइट आपकी आंख में एंटर होती है। द कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर द आयरिस pupil and its inner part। अब कॉर्निया क्या है? आंख का शफाफ पर्दा। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जिसने आपकी आंख को कवर किया हुआ है, ये जो एक कवर है, ये पर्दा जो है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हम कहते हैं आंख का शफाफ पर्दा, वो कवरिंग जिसने pupil, iris और लेंस को कवर किया। द लेंस फोकसेस द पिक्चर ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। अब हमारे दिमाग की बैक साइड पे ये एक स्क्रीन है, ये जो आपको नजर आ रही है ये रेटिना है। आप जो इंफॉर्मेशन आती है लाइट लेंस पे पड़ती है और वो लेंस फोकस करता है और वो इंफॉर्मेशन आपके रेटिना पे जाकर टच करती है। वो लाइट रेटिना पे जाकर टच करेगी और वहां पे आपकी जो भी आप चीज देख रहे हैं उसका उल्टा इमेज बनेगा, लेकिन ब्रेन आपको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा कि वो चीज क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है। तो रेटिना के ऊपर उसका इमेज बनता है
ऑप्टिक नर्व कैरीज द मैसेज टू द ब्रेन. ये जो ऑप्टिक नर्व है ये जो आने वाली लाइट है, जो इंफॉर्मेशन है, जो आई रिसीव कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचाती है? ब्रेन तक. उसके बाद है नोज. स्मेल आर केमिकल्स इन द एयर. हमारे नाक क्या करते हैं? एयर के से जो केमिकल्स हैं उनको रिसीव करते हैं, वो स्मेल करते हैं. अब ये केमिकल्स हमारे जो नोस्ट्रिल्स हैं उनकी लाइनिंग में, उसकी जो लाइनिंग है वहां पे जाके डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी वहां जस्ट हो जाते हैं जाके. दीज डिजॉल्व ऑन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स क्या है?